आज हम आए हैं कान्हा जी की नगरी वृंदावन में, और वृंदावन की गलियों के अंदर घूमते घूमते खाएंगे पिएंगे, साथ में आपको दर्शन करवाएंगे बांके बिहारी लाल जी के मंदिर के, ताकि आप घर बैठे बैठे दर्शन कर सको, और ऐसी चीजें दिखाएंगे कि आप कभी भी वृंदावन आओ तो ये सब चीजें जरूर ट्राई करना, खाने पीने की भी और बाकी सब चीजों की भी। राधे राधे। तो भाई इंट्रो में आपने दर्शन तो कर ही लिए होंगे, और अब बारी है भाई पेट पूजा की। वृंदावन की गलियों में घूम रहे हो और खाना नहीं खाया तो क्या बात है। बिल्कुल। तो भाई ये देखो भाई, स्पेशल टिक्की बनेगी, वरले टिक्की चाट बनेगी एकदम बढ़िया से। क्या क्या मिलता है? भल्ले भी मिलते हैं, लस्सी भी मिलती है, टिक्की भी मिलती है, ठीक है चीज़ें भैया। रगड़ा पेटी, अच्छा ये रगड़ा पेटी है, ये रगड़ा पेटी भी, अच्छा पापड़ी चाट भी है, गोलगप्पे भी हैं, जो आप बोलोगे ना सब मिलेगा। दुकान का नाम क्या है? श्री बांके बिहारी जी की मशहूर चाट। ये सिर्फ ये समझ लो कि बांके बिहारी मंदिर से एग्जिट हो गया ना तो आपको शॉट मिलेगी। कट वाली टिक्की है बढ़िया सा, इसी को रगड़ा डाल के देंगे बढ़िया से। अब देखो कैसे बनता है, ये देखो भाई पत्ते में लगाएंगे, अरे मीठी चटनी आ गई भाई, और ये आ गई भाई हरी चटनी। ओह भैया क्या रुपये प्लेट आती है? हैं 50 रुपये ना। हेलो मैडम, और ये बन रही है भाई साहब लस्सी एकदम मज़ेदार ठंडी ठंडी। भैया बर्फ़ पड़ी है, बर्फ़ थोड़ा सा बर्फ़ डाल देना, और मेरे को दोगे ना बिना मलाई के देना। तो भाई ये एक साथ लगा रहे लगता है 3-4 लस्सी। भाई वृंदावन अगर आओ ना तो ये ऐसे कुछ स्पॉट्स हैं जहाँ पे आपको ट्राई करना चाहिए। मेरा टिक्का फिर से हट गया होगा क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, और जो पेड़े होते हैं ना वो भी भाई, मतलब मैं कह रहा हूँ यहाँ के पेड़े में जो स्वाद है ना वो आपको हिंदुस्तान के कहीं किसी भी पेड़े में नहीं मिलेगा, यहाँ के और मथुरा के, यही दो पेड़े फेमस है। ये है भाई शक्कर है, ये चीनी का बुरादा है ये, तो भाई साहब बहुत ज़्यादा डाल दिया यार। और ये आ गया क्या है, ये गुलाब जल, और ये इलेक्ट्रिक मधानी आ गई है, इसके अंदर बढ़िया से ये लस्सी को तब तक अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि सब कुछ मिक्स ना हो जाए। ये देखो भाई कुल्हड़ लगाए जा रहे हैं, अब जैसे जैसे ऑर्डर आएगा कुल्हड़ को एक बार पानी में डुबो के दोबारा से यहाँ लगाया जा रहा है। और भाई साहब लस्सी हो गई है तैयार, अब ये सारे गिलासों में डलेगी। ये वाला गिलास 70 रुपये का, बाकी सब 60 के। ये आ गया भाई केसर है, ये केसर वाला पानी डाल रहे हैं। ओए होए मजे ही मजे। भैया देखो भाई यहाँ पे पहले सारे के सारे स्टफ कर दिए हैं, और गिलास में देंगे पानी और आपको खुद फिल करके खाना। अच्छा तो भाई टेस्ट करते हैं स्टार्ट। ये बना बना के खाने हैं मेरे को, बहुत बढ़िया है मज़ेदार है। बहुत डिफरेंट है इसके, ये मटर वाले हैं ना। भाई बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, तो आज एकादशी इसलिए भीड़ है, और कहते हैं ना सावन के महीने में क्या कहते हैं, किशन जी की जो छवि है, जो किशन जी बिहारी जी जो है वो अपने पट से बाहर आ जाते हैं। जब आप जनरली दर्शन करते हैं तो पट के अंदर दर्शन करते हैं, जब वो पर्दा ढकते हैं और खोलते हैं, और सावन के टाइम में बिहारी जी बाहर आकर के आप सबको दर्शन देते हैं। तो ये एक रीज़न है कि आज हमने यहाँ पर आकर के, मतलब इन्हीं दिनों में हमने यहाँ पे आना प्रेफर करा, और मुझे भी ले आए हो। और दूसरी चीज़ भैया, यहाँ पर बहुत सारे आपको मिलेंगे ऐसे बंदे जो बोलेंगे 500 रुपये में दर्शन करा दूंगा, VIP 1000 रुपये ले लो। हमने कोई पैसे नहीं दिए, आराम से गए, आधा घंटा लगा और बढ़िया से दर्शन हो गए। लाइन से जाओ बनाओ, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि छोटे बच्चों को ना लेके जाएं क्योंकि बहुत भीड़ है अंदर, है ना। छोटे बच्चों को मत लेके जाएं, मतलब छोटा मतलब जैसे पब्लिक है, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ हो रहे थे बच्चे अंदर। बोल बिहारी लाल की जय। तो भाई दर्शन तो भाई एकदम खुले दर्शन हुए, मज़ेदार है। और खाया पिया भी वही खूब बढ़िया से है, ये समर बॉडी पिया, समर बॉडी हमारी। तो भाई अब बारी आ गई है भाई, अंदर चल के आराम से रेस्ट करते हैं बढ़िया से। और क्या लोगे? मैं ये पूछ रहा था तेरे को, तुम मेरे को प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा था, श्राइन क्लब। श्राइन क्लब, तो भाई श्राइन क्लब मैं आपको बताता हूँ, एक ऐसी मेंबरशिप जिसको आप लोगे ना तो उसके बाद डेली के दिल्ली के पंजाबी क्लब में तेरे को लेके गया था, ये वो वाला कार्ड है, ये वो वाली मेंबरशिप है। तो इसको तो मैं दिलवाता हूँ, आप देख अंदर चलते हैं,
मिलवाता हूँ मैं इनकी मैनेजर से जो इसको पूरा एक्सप्लेन करेगी, और आप भी समझना अगर चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रहा हूँ लो, और भाई जो सहूलियत है ना उसके साथ सब अंदर बताऊँगा, आ जाओ। तो हेलो मैम, क्या हाल है? इन्होंने ही मुझे दिए थी मेंबरशिप, और अब आप इसको बता दो, पूरा एक्सप्लेन कर दो कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, एवरीथिंग इनको बता दो ताकि इनको बेनिफिट्स पता चले, मुझे तो पता चल गए, इसे बता दो। सो सर, वी आर शाइन क्लब, वी आर इन वृंदावन, और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये जगह वृंदावन के सारे बेस्ट प्लेसेस के बहुत ही क्लोज है। मतलब कि कोई भी मंदिर के दर्शन करने, ये सिर्फ हार्डली मेरे ख्याल से 1.5 या 2 किलोमीटर है, दैट्स इट। तो इतना वो चीज़ है, बट कई बार बात करते हैं ना वृंदावन, तो लोगों को आते हैं यार ऐसी फैसिलिटी वाले होटल नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे ये आता है। मतलब कि अगर अपने पेरेंट्स को भेजना है, सीनियर सिटीजन को आना है, उनके लिए ये बेस्ट है। तो ये इसीलिए लिए थी, इसके पापा के लिए ली थी हमने, इसके पापा मम्मी यहाँ आएंगे, लेकिन इस कार्ड का बेनिफिट दिखाता हूँ, इस कार्ड का बेनिफिट ऐसा, यही कार्ड की बात कर रहा था कि दिल्ली में बैठे बैठे हम इसका लुत्फ़ उठा रहे हैं। तो फिर मैं भी पूछ लेता हूँ इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं इस कार्ड के। तो मैम आप बताइए, इसको पूरा पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लो और इसका भी कार्ड बना के दो। इसके बेनिफिट्स, सबसे बड़ा जो बेनिफिट है इसका वो ये है कि ये कार्ड यहाँ पर तो एलिजिबल है ही, लेकिन इसके अलावा भी आप इंडिया अब्रॉड हमारी जो एफिलिएशन लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी सारे ऐसे क्लब्स इस लिस्ट में आते हैं जिनका एक्सेस इस कार्ड में होता है। यस, वी आर इन श्राइन क्लब, जब भी आप यहाँ पर आते हैं सो वी हैव लग्जूरियस रूम्स, यहाँ पर स्विमिंग पूल है, किड्स एक्टिविटी एरिया है, और कहीं भी किसी भी जगह की जो एक स्पेशलिटी होती है वो वहाँ का फूड होता है, तो यहाँ पर आपको प्योर वेजिटेरियन टेस्टी फूड मिलता है। नो प्याज लहसुन, मतलब कि सात्विक फूड है एकदम पूरा, जैसे यहाँ पे क्योंकि सब लोग दर्शन करने आते हैं उस हिसाब से है। तो आप ये बताओ मेरे को, क्या कहते हैं, जैसे कि हमने बताया था ना कि आपने मुझे बताया था कि दिल्ली में भी बहुत सारे क्लब्स हैं ऐसे और बाकी जगहों पे भी कि हम उसको एक्सेस कर सकते हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो इसको बताओ, वो इसको ज़्यादा पसंद आया था। सर, इस कार्ड की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि इस कार्ड का एक्सेस सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी, अब्रॉड में भी 100 से ज़्यादा क्लब्स हैं हमारे, ये हमारी लिस्ट है, यहाँ पर जाकर के आप इस कार्ड का एक्सेस ले सकते हो। अमृतसर क्लब, वसंत विहार क्लब, अमृतसर क्लब का ऐड हुआ सर, हर महीने काफ़ी सारे क्लब्स ऐड हो रहे हैं, गोवा जिम खाना अभी रिसेंटली ऐड हुआ है इसमें। तो इसका मैं एक्सेस कैसे कर पाऊंगा? बहुत ही सिंपल है सर, कुछ नहीं करना है आपको, आपको यहाँ पर जाना है, अपना कार्ड प्रोड्यूस करना है, और बहुत ही बेसिक चार्जेस पर आप यहाँ की सारी फैसिलिटीज ले सकते हैं। मतलब ये समझ लो चार्जेस पता कितने के, जो सोच रहे हो तो 500-600 रुपए, नहीं 50 या 100 रुपए, हर क्लब की अलग अलग फीस होती है जो नॉमिनल चार्ज लेते हैं। और सबसे बड़ी बेस्ट पार्टी है, विद फैमिली जा सकता है यार, बता और बेटर चीज और क्या है, क्या मिलेगी? तो मैंने तो लाइफ टाइम का लिया हुआ इनका, तो मतलब लाइफ टाइम हमारे को फुल ऐश है, दिल्ली के अंदर हो सकता है इनके और नए ऐड होंगे, या हम ट्रैवल करते रहते हैं, जोधपुर भी है इसके अंदर, अमृतसर भी है, गोवा भी है, गोवा जिम खाना ऐड हो गया, तो फिर इससे बेटर चीज़ और क्या है? तो और करना क्या है? तो बस तू अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर, और अगर आपको भी चाहिए ना अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, तो मैं आपको बोल रहा हूँ नीचे नंबर दिया है उस पर कॉल करो, इंक्वायरी पूरी कर लो, कितने रुपये का है, क्या चीज़ है, सब आपको एक्सप्लेन कर देंगे। डिस्क्रिप्शन पर फ़ोन नंबर डाल रहा हूँ, स्क्रीन पर भी डाल रहा हूँ, पॉज करो, फ़ोन करो और इसको लो, इन्जॉय करो, हम तो इन्जॉय कर रहे हैं, आप भी अपनी फैमिली के साथ थोड़ा आउटिंग करके आओ। ये ऐसा कार्ड है जो पूरी लाइफ टाइम आपको आपको याद रहेगा एक्चुअली। सही है। तो भाई खाना आ चुका है और बढ़िया से नैप, एक नैप ले लिया छोटा सा अपने, क्योंकि इतने थक चुके थे ना दर्शन के बाद। राणा जी दाल चावल, तो भाई जीरा राइस है, ये देखो ये है भाई दाल तड़का, बढ़िया सा तड़का मारा हुआ है दाल में, एंड दिस इज़ दाल मखनी, भाई बहुत टेस्टी दाल मखनी है इनकी, सीरियसली कह रहा हूँ मैं, एकदम मज़ेदार है एकदम, ये देखो हाँ दाल मखनी, और ये है भाई हमारा कढ़ाई पनीर, नहीं कढ़ाई पनीर, मुझे लगा पनीर बटर मसाला मंगाया, कढ़ाई पनीर। खाना जैसे कहेंगे ना एकदम सात्विक खाना है, एकदम मज़ेदार, कि आप भी बोलोगे ना यार कि वाकई में मतलब सात्विक खाना, वो भी इतना टेस्टी, टू गुड, और लच्छा पराठा, इन्जॉय करते हैं हम इसे बढ़िया से डिनर, सुगीर्ति सो चुकी है और सुबह निकल जाएंगे हम घर। तो अगर आपको भी चाहिए श्राइन क्लब का मेंबरशिप कार्ड बनवाना है अपने पेरेंट्स के लिए, और आप खुद वो कार्ड यूज़ करोगे दिल्ली में, अमृतसर क्लब में, कहीं पर भी, या गोवा क्लब में, कहीं पर भी यूज़ करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन पर सारी चीज़ें डाल दी हैं, आप सारी चीज़ें डालिए, फ़ोन नंबर दिए, कॉल करो और सारी डिटेल ले लो, कितने रुपये का है, क्या है, एंड ऑल एवरीथिंग। तो सर जी करें फिर शुरू।
एक बाइट आपके लिए स्पेशल बाइट, और उसके बाद हम चलते और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। ये रही भाई मेरी बाइट।